जनपद के सभी थानों के 5 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से बचाव के लिए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया, जिसके संबंध में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि गोरखपुर जनपद के सभी थानों से 5 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पुलिसकर्मियों के लिए एक कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसका साइट्रेन नाम है, जिसमें साइबर अपराध से बचाव के लिए बताया जाएगा कि कैसे साक्ष्य संकलन करना है और कैसे फॉरेंसिक जांच करनी है। इसके अलावा यदि कोई साइबर अपराध के संबंध में सूचना मिलती है तो कैसे कार्य करना है, यह बताया जाएगा, जिसके इस विषय में पुलिसकर्मियों को बताया गया है। इसमें उप निरीक्षक से लेकर कांस्टेबल तक के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण लेना है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इंटरनेट व मोबाइल फ़ोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है, वैसे ही साइबर घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहना होगा, जिसके लिए यह कोर्स डिज़ाइन किया गया है, जिसका निर्देश शासन से प्राप्त हुआ है। हम लोग कॉलेज व स्कूल में जाकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इस अवसर पर एसपी नाथ मनोज अवस्थी, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी पुलिसकर्मियों को हम लोग जो साइबर का कोर्स है, इसमें हम लोग ट्रेनिंग दिलाएंगे, ठीक है। कोई भी इवन अधिकारी से लेकर लास्ट कांस्टेबल तक कोई भी ऐसा रहेगा नहीं जो ये कोर्स ना करे, ठीक है। ये शासन की मंशा भी है और आज की ये आवश्यकता भी है कि हम क्रिमिनल से दो कदम आगे रहे, ठीक है। इसी हिसाब से कोर्स डिजाइन किया गया है, जवाब देना है और जब आप एक मॉड्यूल खत्म करते हैं कोर्स को आपको सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो इसमें आप बेसिक करने के बाद आप फिर इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यह यूजर आईडी पासवर्ड सिर्फ आपको बेसिक कोर्स के लिए गए हैं, इसमें आप पहले बेसिक करने के बाद फिर इंटरमीडिएट और एडवांस भी उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा कि सर ने भी अपना नाम दिया है और सारे अधिकारी कर वो भी सभी लोग करेंगे, सभी अधिकारी लोगों का एक बना करके पासवर्ड। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, आज गोरखपुर स्थित अनेक्सी भवन में गोरखपुर जनपद के सभी थानों से 5-5 कर्मचारियों को यहां बुलाया गया था और उन्हें साइबर क्राइम के संबंध में ट्रेनिंग दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कोर्स डिजाइन किया गया है पुलिस कर्मियों के लिए, जिसका नाम है साइट्रेन। उसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं और उसमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, साइबर क्राइम्स रिलेटेड क्राइम्स का कैसे फॉरेंसिक उसका होना है, कैसे उसमें साक्ष्य संकलन करना है और किस तरह से जैसे कोई सूचना मिलती है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारे उसके ट्रैक्स हैं। इनके विषय में जो हमारे पुलिसकर्मी आए हैं उनको विस्तार से बताया गया है और इसमें अधिकारी लेकर के जो नीचे कांस्टेबल तक है सभी पुलिसकर्मियों को अधिकारीगणों को इसमें ट्रेन होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही जो साइबर क्राइम रिलेटेड घटनाएँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे बदलते हुए परिवेश में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम है उसको टैकल करने में, उसको क्रैक करने में अडेप्ट हो, और इसी उद्देश्य के साथ ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आज उसी के संबंध में ये ट्रेनिंग की गई है और जो हमारे कर्मचारी आए हैं उनको क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड भी बताया गया है और उस ऐसे क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड केसेस को कैसे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसके विषय में उनको ट्रेनिंग दी गई है। ये शासन की मंशा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी की मंशा है और ये हम लोगों का भी उद्देश्य है, पुलिसकर्मियों का भी, कि जो हमारी जनता है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। इसीलिए हम लोग जो बहुत स्कूलों और कॉलेजेस में जाकर के सभी अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं और साइबर वॉलंटियर्स भी तैयार कर रहे हैं ताकि वो पुलिस के बिहा पे जाकर के स्कूलों और कॉलेजेस में और ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चला सके, क्योंकि साइबर अपराध से बचने का एकमात्र उपाय है सतर्कता और अवेयरनेस। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर रहे हैं ताकि कम से कम लोग साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड का शिकार हों।